गाइस क्या हाल चाल, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल तड़कती फड़कती। जो हम लोग गाड़ी लेके आए हैं ये वही पुल है और वही मौसम। एक्चुअली ये वाली रोड जो है बंद कर दी गई थी, तो मैं गाड़ी को यहीं पे लेके आया हूँ। आज हम लोगों के साथ गाड़ी है यहाँ पे अपाचे की RTR 310, जो कि नई गाड़ी आई हुई है और मैं इसको जो है आज कवर करने वाला हूँ। राइड रिव्यू बताऊंगा, इसका इनिशियल बताऊंगा, और इसका इनिशियल बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। साथ में हम दो लोग हैं, अमन भाई भी हमारे साथ है। और सबसे पहले आप लोगों को इसका एग्जॉस्ट सुनाते हैं। अमन भाई की देखो हाइट भी जो है 6 फुट है और इसकी सीट की हाइट जो है लगभग 800 mm तक की है। तो अमन भाई तुम बैठे हो कम्फर्टेबल सीट में, कोई बढ़िया लग रहा है? अब देखो यार इसका एग्जॉस्ट सुनो एक बार। मतलब इसका एग्जॉस्ट सुन सकते हो, काफ़ी बढ़िया एग्जॉस्ट है। और देखो मैंने पिछली बार जो है कवर किया था, तो पिछली बार जो मैं वीडियो बनाया था, जो शोरूम पे बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जो है यहाँ पे आपको जो साइलेंसर मिलता है वो आपको हल्का ब्लू कलर का जो है टिंट मिलता है, वो वाली गाड़ी में नहीं था। लेकिन इस वाली गाड़ी में आप देख सकते हो हल्का से ब्लू जो है टिंट हुआ है अंदर से जो इसको दिया गया। ये एक बहुत यूनिक लगता है, जैसे लगता है कि आपकी गाड़ी जो है टर्बो चल रही है। ओमन भाई इस बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे लगता है नाइट्रो लगा हुआ है फास्ट एंड फ्यूरियस का। देखो इस गाड़ी में बहुत सारे चीज़ें हैं बड़ी, हाँ देख सकते हो यहाँ पे पूरा ब्लू पड़ गया। अब इंजन के बारे में, जैसे मैंने बताया आपको 312.12 सीसी का इंजन मिलता है, 4 सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल इंजन है। और रेडिएटर देख सकते हो यहाँ से जो है बिल्कुल लुक आता है भाई डुगाटी के स्ट्रीट फाइटर के जैसे, देख सकते हो एग्रेसिव लुक में ये पूरी गाड़ी बनाई गई थी हमारी। ये गाड़ी हमारी जो है फुल स्ट्रीट के हिसाब से बनाई गई थी, सिटी के हिसाब से बनाई गई है, इसीलिए इसकी टॉप स्पीड जो है कम है। अब हम आपको टॉप स्पीड दिखाएंगे। इनिशियल में हम लोगों ने खींचा, हम लोग दो लोग बैठे थे गाड़ी पे, और इसकी टॉप स्पीड जो है मात्र 150 किलोमीटर है। और आरआर जो आती है 310 अपाचे की, वो 160 पे जाती। अब इसका आरआर का आरटीआर ये 310 का, और बीएमडब्ल्यू की G310R जो है हमारी, उनका एसेंशियल प्लेटफॉर्म एक ही है, क्योंकि एक ही सिम भाई बना हुआ है वहाँ प्लेटफॉर्म पे, इंजन सब बनाया गया। लेकिन इस बार जो है TVS ने बहुत बढ़िया चीज़ें करके रखी हुई है। यहाँ पे आगे आपको मिलता है भाई USD फोक्स 41 mm का जो है सस्पेंशन मिलता है। आपको आगे टायर्स जो मिलते हैं वो 110/17/17 के मिशलिन के टायर मिलते हैं आपको। सामने से इसकी जो ब्रॉड लुक आती है आपको एक बार मैं दिखाता हूँ, जो आपकी गाड़ी ऐसे लगता है कि भाई स्माइल कर रही है, इतना बढ़िया इसका DRL लगता है। और इसके जो है आप लाइट देखते हो, इसका थ्रो भी बहुत तगड़ा है। आप यहाँ से कटआउट दे के रखा हुआ है, काफ़ी तगड़े में कटआउट है। स्मार्ट एक्स कनेक्ट भी आप कर सकते हो गाड़ी में, अपना ब्लूटूथ से फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो। पीछे आपको टेल लैम्प के बारे में मैं बताऊँ आपको, तो टेल लैम्प आपकी जो है पीछे भी बढ़िया दो कट आपको मिलते हैं यहाँ पे, कटआउट में बढ़िया टेल लैम्प दे के रखी हुई है। आप देखो यार यहाँ पे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, वहाँ पे देख सकते हो, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये मोनोशॉक सस्पेंशन है, पीछे आपका जो है ये टायर का हगर मिलता है आपको, बहुत बढ़िया है। TVS ने हर चीज़ का ध्यान रखा है। आप देखो TVS ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा, आपकी ये गाड़ी है ब्रॉड लगती है, नेकेड में है। ये जो आप एग्जॉस्ट देख रहे हो, इसको भी साइलेंसर को भी इन्होंने लंबा रखा है, अगर छोटा रखते तो अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे हिसाब से अमन भाई अगर साइलेंसर को हल्का सा छोटा रखते KTM की तरह तो अच्छी लगती कि नहीं? जो लुक है वो बड़े एग्जॉस्ट का ही जो है हमको लुक आता है। सो गाइस ये हमारा जो है सेकंड टॉप मॉडल है, तो इसके कारण जो है आपको इसमें वेंटिलेटर सीट्स नहीं मिलती है। अगर टॉप मॉडल में आपको यहाँ पे जो है थोड़े से होल्स करेंगे उसको आप सेट कर सकते हो भाई, आपको जो यहाँ पे आपको मिलता है वेंटिलेटर, आप ठंडा गर्म कर सकते हो। चलो गाड़ी को हम लोग बैठते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको जो है एडजस्टेबल लेवल मिल जाते हैं, साथ में ब्रेक भी मिलते हैं। और यहाँ देख सकते हो मेरी हाइट 5'6" है, मेरा पोस्चर काफ़ी बेहतरीन है बैठने का, मेरे पैर जो आराम से आ रहे हैं ज़मीन में, मेरा फुल सपोर्ट है। पीछे हमारे साथ अमन भाई बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपको हैंडल्स के बारे में बताते हैं, ट्रैक्शन जो है हमारा इस समय ऑन है, ये देख सकते हो आप एग्जॉस्ट RPM मीटर पे आप देखो, ये पहला गियर पे लगाया गाइस, और देखो इनिशियल इसका। ब्रेकिंग्स के मामले में भी ये एक नंबर है, क्योंकि इसमें आपको आगे जो है 300 मिलीमीटर की आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, साथ में डुअल चैनल ABS है, पीछे आपको 240 mm की जो है डिस्क ब्रेक मिलती है,
और आपको क्या ही बताया जाए, अर्बन मोड पे हम लोग चला रहे थे, बाकी मोड्स इसमें जो है अभी लॉक हैं और यहाँ पे आप जो है बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इसमें क्विक शिफ्ट है, अपने आप जो है स्पीड के बाद जो है शिफ्ट भी कर सकता है। साथ में इसमें पिकअप बहुत बढ़िया है, आपको अगर व्हीली लगानी है तो आप जो है व्हीली बड़े आराम से लगा सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके हैंडल के बारे में, क्योंकि इसका हैंडल आप देख सकते हो क्लिप एंड क्लिप ऑन हैंडल नहीं मिलता आपको, यहाँ पे सिंगल पीस हैंडल मिलता है। तो इसके वजह से जो है गाइस आपको थोड़ा से कॉस्ट कटिंग जो है करी गई है, लेकिन आपको जो इसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको मिरर्स मिलते हैं रेसिंग के हिसाब से, एरोडायनेमिक्स के हिसाब से। इसमें आपको भाई बहुत सारे मोड्स मिलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। राइड मोड में जैसे आप अभी देख रहे हो, इसमें आप मोड्स में जाओगे तो आपको अर्बन मोड मिलता है, रेन मिलता है, स्पोर्ट है, ट्रैक है। इसमें एक और मोड ऐड कर दिया गया है जो कि आपका सुपर मोटो मोड है। और गाइस इसका लाइट का थ्रो काफ़ी बेहतरीन है, और इसमें जो है आप जब टॉप मॉडल लेते हो तो उसमें आपको जो है सस्पेंशन जो है आपको मिलते हैं, वो सस्पेंशन जो है पूरा पूरा आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। सस्पेंशन को आप जो है एडजस्ट कर सकते हो चाबी से ही, लेकिन इसमें जो है सस्पेंशन और रिडेम्पशन जो आप एडजस्ट करना चाहोगे वो एडजस्ट नहीं कर सकते हो। इसमें जो है आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलता है, तो आप जो है जब गाड़ी चला रहे हो तो एक मिनिमल स्पीड पे जो है आप जो है गाड़ी को क्रूज कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, ये गाड़ी में अभी जो है क्रूज कंट्रोल जो है लॉक है, इसके कारण जो है आप लोगों को क्रूज कंट्रोल नहीं दिखा पा रहा हूँ। और इसमें साइड स्टैंड जो है कटआउट भी देके रखा हुआ है, तो उसके लिए कोई चिंता नहीं। बाकी आपको जो है हैंडल्स में जो है यहीं पे किल स्विच बटन और स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। बाकी इंजन मैंने आपको बताया ही कि आपका बढ़िया है। फिलहाल मेरे हिसाब से जो है इसमें जो है इसकी चैचिस बहुत अच्छे से इस्तेमाल करी गई है। पिछले टायर आपको जो है मिल जाता है 150/60/17, जो कि बहुत ज़्यादा है। हार्ले डेविडसन में आपको 140mm का जो है पीछे आपको टायर मिलता था, लेकिन इसमें बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज़ किया गया है। TVS ने हर एक चीज़ का जो है यूटिलाइजेशन किया हुआ है, हर एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ बढ़िया देके रखी हुई है। यहाँ तक कि उसने जो है आपके लिए अगर आप देखो कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पे अगर आप येलो कलर जब देखोगे ना तो इसमें छोटे छोटे जो है ग्रीन पार्टिकल्स स्पार्कल टाइप में पड़े हुए हैं, जिससे कि यही सब चीज़ें जो हैं धीरे धीरे आपको कंपनी की तरफ से एक नेक्स्ट लेवल की लगती हैं। पूरा आपने जितना पैसा दिया है वो आपका पूरा वर्थ इट होता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे आपको हैजार्ड लैंप्स जो मिल जाता है, आप इंडिकेटर्स को यहाँ से ऑन करेंगे आपको ये एलईडी इंडिकेटर मिलते हैं। ये एलईडी इंडिकेटर बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत लोग आफ्टर मार्केट में ये वाले इंडिकेटर लगाना चाहते हैं, लेकिन TVS ये आपको पहले से ही जो है ये वाले इंडिकेटर प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे इनकी बिल्ड क्वालिटी तो बढ़िया है, देखो यार 2024 की जो KTM 390 आई उसमें भी आपको यही वाले मिरर्स मिलते हैं। लेकिन यार मैंने ऐसे मतलब सुना है और देखा ही है पर्सनली, MSK की जिन्होंने वीडियो देखी वो समझ जाएंगे, उन ये मिरर्स जो है जल्दी लूज़ हो जाते हैं और वापस इधर आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी ध्यान रखनी पड़ेगी। और जो इसके ओनर हैं यार, मेरे हिसाब से देखो TVS की एक छोटी सी बात बताता हूँ, क्योंकि सब कंपनियाँ आपको टूल किट देती हैं लेकिन पूरी टूल किट नहीं देती हैं, और TVS जो है आपको टूल किट प्रोवाइड करती है, तो पूरी जो है टूल किट प्रोवाइड करती है। अब ये गाड़ी मुझे प्रोवाइड करी थी निर्माण TVS में। आप लोगों को गाड़ी लेनी है तो आप लोग निर्माण TVS आ सकते हो और उन्हें कॉल कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी लोकेशन उनका नंबर सब कुछ दे के रखा हुआ है, और आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बैठने पे भाई मैं बता रहा हूँ, मेरी हाइट 5'6" है, मैं कितने आराम से गाड़ी चला रहा हूँ, बहुत आराम से गाड़ी चला ले रहा हूँ। और फिलहाल मैं बता दूँ आपको, ये वाली जो रोड आप देख रहे हो ये रोड बंद कर दी गई है, इसीलिए हम लोग जो है खाली रोड पे जो है ये चेक कर रहे हैं। कोई भी चीज़ हम लोग तेज़ नहीं कर रहे हैं, कोई रूल ब्रेक नहीं कर रहे हैं, खाली रोड पे हम लोग जो है चेक कर रहे हैं। ये खाली रोड है इसीलिए हम लोगों ने देखा, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं, आप लोग देख सकते हो। और ये गाड़ी फिलहाल मेरे हिसाब से तो भाई बहुत अच्छी लगी है, हालाँकि इसमें जो है थोड़ी सी जो है पावर बढ़ाई गई लेकिन स्पीड को जो है मेंटेन करा गया है, स्पीड को कम करा गया है। स्पीड इसमें जो है ज़्यादा जा सकती है 150, क्योंकि हम और अमन हम दोनों लोग भाई बैठे थे, 125 प्लस चली गई हम लोगों के हिसाब से। पिकअप इसमें बहुत बढ़िया है, टॉर्क बहुत बढ़िया है। तुम्हारे हिसाब से भाई तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस गाड़ी को लेके? भाई ये बहुत खतरनाक है, मतलब मैं बैठा तो मेरा तो हो गया काम। हाँ, मतलब पीछे भाई बैठा था और भाई को जो इतनी तेज जो है वो पिकअप हुआ। फिलहाल इसमें व्हीली आप लोग लेना ना, व्हीली आप लोग बहुत आराम से ले सकते हो, व्हीली भाई आप लोग व्हीली लेके कहीं पे भी जा सकते हो। और मुझे पैसिफिक यार इसका जो है पीछे जो है एग्जॉस्ट अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी ब्रॉड है गाड़ी के हिसाब से है। और हाँ गाइस, इसका रेडिएटर सिस्टम बहुत बढ़िया, रेडिएटर आपका आगे से तो जो लुक आता है, इधर से जो लुक आता है पूरा डुगाटी स्ट्रीट फाइटर का आता है, एक नेक्स्ट लेवल की है। आपको सस्पेंशन सब कुछ मैंने आपको बताया। अब आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सी गाड़ी की वीडियो चाहिए। हम लोग पूरी गाड़ी की वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी अपनी तरफ से हम लोग 100% करते हैं। हम लोगों के लखनऊ शहर में जैसे गाड़ी आती है आप लोगों को वीडियो दे देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। आपको अच्छी लगी हो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद, वंदे मातरम।